हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ना घर के ना घाट के, बीजेपी के साथ रहकर सिर्फ खोया ही खोया। क्या दुष्यंत चौटाला को गद्दारी की मिली है सजा? हरियाणा की सियासत में 4.5 साल पहले किंग मेकर बनकर दुष्यंत चौटाला उभरे थे। बीजेपी को समर्थन देकर खट्टर सरकार में दुष्यंत डिप्टी सीएम बने, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूट गया है। मनोहर लाल खट्टर सहित कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और अब बीजेपी ने नायब सैनी के नेतृत्व में नई सरकार भी बना ली है। बीजेपी ने जेजेपी से अलग होकर हरियाणा में अकेले सरकार बनाने ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ना अब घर के बचे हैं ना घाट के। हरियाणा की सियासी चक्रव्यूह में जेजेपी कैसे गिर गई है और किसने दुष्यंत को गद्दार कहकर मजे लिए हैं, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, क्या हरियाणा के जाट वोटर दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एम एस टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जेजेपी ने 4.5 साल में क्या खोया? इनेलो से अलग होकर अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग जेजेपी बनाई तो जाट समुदाय के युवाओं के बीच एक उम्मीद की किरण जगाई थी। जेजेपी ने अपने पहले ही चुनाव में इनेलो का सफाया कर दिया और हरियाणा में उसका विकल्प ही नहीं बल्कि किंग मेकर बनकर उभरी। दुष्यंत चौटाला ने 2019 का चुनाव बीजेपी और खट्टर सरकार के खिलाफ लड़ा था, लेकिन नतीजे के बाद उन्होंने हाथ मिलाया तो उससे उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा, खासकर जाट समुदाय के बीच। कांग्रेस और इनेलो ने उसी समय से कहना शुरू कर दिया था कि जेजेपी को जनादेश मिला है, वो बीजेपी के खिलाफ मिला है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के हाथों में ही गिरवी रख दिया। बीजेपी के साथ जेजेपी ने जब से मिलकर सरकार बनाई उसके बाद हरियाणा में किसान और पहलवानों ने आंदोलन किया। इन दोनों ही आंदोलनों में जाट समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। बीजेपी के साथ सत्ता में होने के चलते जाट समुदाय की नाराजगी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी उपजी है। जाट समाज में जेजेपी का सियासी आधार खिसका है, जिसके चलते पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के साथ होने के चलते मुस्लिम वोट बैंक में भी नाराजगी है। जेजेपी जिस सियासी समीकरण के साथ किंग मेकर बनी थी उसे सत्ता सुख उठाने के चक्कर में बिगाड़ दिया। न सत्ता का साथ न विपक्ष का। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी अलग थलग पड़ गई है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, जेजेपी के अभी तक बीजेपी के साथ रहने के चलते विपक्षी गठबंधन में उसे जगह नहीं मिल सकी और अब जब खट्टर सरकार से बाहर हो गए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, इनेलो के साथ जेजेपी के एक होने की संभावना नहीं दिख रही है, तो बसपा के साथ भी उनकी दोस्ती की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं, जिसमें जेजेपी के लिए कोई राजनीतिक स्पेस नहीं दिख रहा है। अबे चौटाला का दुष्यंत पर हमला। हरियाणा में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी से अचानक ही गठबंधन तोड़ लिया। इस पर इंडियन नेशनल लोकदल महासचिव अबे सिंह चौटाला ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि गद्दारी हो जिसकी बुनियाद अंजामे मीनार होना ही था बर्बाद। जननायक जनता पार्टी चौटाला परिवार में फूट के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही अस्तित्व में आई थी। हालांकि इनेलो नेता ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला या जजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जजपा के ही तरफ था। जेजेपी विधायक क्या टूट जाएंगे? दुष्यंत चौटाला 2019 में जिन 10 विधायकों के दम पर किंग मेकर बने थे उनमें से 6 विधायकों के टूटने का खतरा दिख रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी जिसमें 6 विधायक शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि बैठक में ना पहुंचने वाले 6 जेजेपी विधायक बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी सरकार के समर्थन में खड़े हैं। जेजेपी के विधायक अगर टूटते हैं तो दुष्यंत चौटाला के लिए आगे की सियासी राह काफी मुश्किलों भरी हो जाएगी।